सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस की टेंशन भारी है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस को 7 सीटों का ऑफर दे रही है, जबकि कांग्रेस खुद के लिए 11 सीटें मांग रही है। आरजेडी को कांग्रेस कैसे मनाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन दूसरी टेंशन कांग्रेस को मायावती ने दे दी है। मायावती ने ऐलान किया है कि अमेठी और रायबरेली की सीट पर वो बीएसपी का प्रत्याशी उतारेंगी। कांग्रेस की तीसरी टेंशन यह है कि सिद्धू के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद अब उनकी जगह किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले राहुल गांधी ईवीएम का मुद्दा लेकर सियासी मैदान में उतर आए। राहुल की भारत न्याय यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर है, जहां वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन एक सियासत इंडिया गठबंधन के अंदर भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में सीट शेयरिंग का कोई ठोस फॉर्मूला तैयार ही नहीं हो पा रहा है। सूत्रों की माने तो बिहार में आरजेडी ने 30 सीटों की शर्त रखी है, जबकि कांग्रेस के लिए 7 सीटों का ऑफर है और लेफ्ट को वो 3 सीटें देना चाहती है। वहीं कांग्रेस 11 सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों की माने तो 16 मार्च को बिहार कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। वहीं महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ भी तय नहीं हो पा रहा। खबरों के मुताबिक 15 मार्च को यूपी को लेकर भी कांग्रेस की बैठक होनी है, जहां यूपी में अमेठी और रायबरेली की सीटों को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो सकता है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम अमेठी और रायबरेली के लिए प्रस्तावित करेगी, लेकिन इस पर आखिरी फैसला गांधी परिवार को लेना है। अब जो चीजें अभी सामने आ रही है, अभी मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूं और ये निश्चित तौर से, जैसे अभी आपने रायबरेली कमेटी की बात बोली, हम पहले भी तय कर दिया, सभी प्रस्ताव हमारे तरफ से चले गए हैं। सर्वसम्मत से प्रस्ताव पीसी ने किया है कि वहां पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आके लड़े, ये हम लोगों ने प्रस्ताव किया। बताया जा रहा है कि बैठक में यूपी की सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नाम करीब करीब तय हो गए हैं। बस 2 हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली को लेकर नजरें गांधी परिवार पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उत्तर भारत में कई दिग्गज चेहरों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों की माने तो अशोक गहलोत, हरीश रावत, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे 4 पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। सचिन पायलट के गढ़ से भी उनके करीबी को टिकट दे दिया गया है। वहीं पंजाब में कांग्रेस सांसद नवजोत सिंह सिद्धू भी इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। सिद्धू ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला दिया है। कांग्रेस पटियाला सीट से कैप्टन अमरिंदर की पत्नी के खिलाफ सिद्धू को चुनावी मैदान में उतारने का प्लान बना रही थी। इस बीच तमाम अटकलों को विराम देते हुए कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गयी, जिन्हें सिद्धू की पटियाला वाली सीट से टिकट मिल सकता है। मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुखी हैं अपनी सारी टीम के साथ और हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं पिछले लगभग 10 सालों के लिए, जो आगे लेके गए हैं हमारे देश को, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ही है एक शख्स जिनकी नेतृत्व में और भारतीय पार्टी जनता पार्टी की नेतृत्व में हम अपने बच्चों और अपने देश को सुरक्षित रख सके और उनको आगे ले जा सके। उधर पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी ने आज 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। वहीं कल अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान गुजरात में लोकसभा कैंपेन लॉन्च करेंगे। अब कांग्रेस के सामने चुनौती सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को जल्द सुलझाने की है। वहीं उत्तर भारत में खोई जमीन वापस पाना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब देखना यह है कि बड़े दिग्गजों के न कहने के बाद यूपी की 2 अहम सीटों को लेकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्या फैसला करते हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह और पटना से शशि भूषण के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।